तोमर जी के बेटे की जांच करने कब आएगी ईडी और आईटी? वोटिंग से पहले बीजेपी पर हमलावर राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जांच करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी कब मध्य प्रदेश आ रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो कॉलिंग का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात हो रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि काले धन को सफेद बनाने और इसके एवज में कमीशन रखने को लेकर सारी बातचीत हो रही है। इसी वीडियो को आधार बनाकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है, यहाँ पर 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है। सांसद राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़ा किया है कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने के बावजूद ईडी और आईटी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने व्यापम घोटाला महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया है। एडिट वीडियो की डर्टी पॉलिटिक्स बीजेपी। मध्य प्रदेश के नीचम हरदा भोपाल में रोड शो और आम सभा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने का भी दावा किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल हुए वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया के मुताबिक चुनाव के वक्त पर यह सोची समझी साजिश के तहत एडिट वीडियो को डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए वायरल किया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। 18 साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपनी आंखों से इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी सरकार को गहराई से देखा है। हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है ये पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। पता नहीं आपने, ये इनका मंत्री है, इनके बेटे का वीडियो देखा, तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आपके सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम में 1 करोड़ युवाओं को नुकसान किया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वायरी नहीं। एमबीबीएस सीट बिकती है, कोई इंक्वायरी नहीं। आपका पैसा जाता है, सबके सामने एक के बाद एक मंत्री, उनके परिवार, उनके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।